नमस्कार। तो आज यहाँ पे हम अदानी विनिमय लिमिटेड स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखने वाले हैं। तो अदानी विनिमय स्टॉक के अंदर आज फिर से गिरावट देखने को मिले, तकरीबन यहाँ पे 10 पॉइंट की गिरावट होती हुई दिखाई दे रही है। 2% से ज़्यादा गिरावट देखने को मिले। 404.55 पे ट्रेडिंग कर रहा है स्टॉक रिसेंटली। आज जैसे ही ओपन हुआ था स्टॉक देख सकते कि सस्टेन था, या फिर प्रीवियस क्लोजिंग के साथ ट्रेडिंग कर रहा था, पर जैसे प्रीवियस क्लोजिंग के साथ नीचे आया तो स्टॉक में गिरावट देखने को मिले। और रिसेंटली यहाँ पे आप देख सकते कि स्टॉक नीचे की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। 400 लेवल यहाँ पे इंपॉर्टेंटली सपोर्टिव जोन है स्टॉक के लिए, तो 400 लेवल पे सपोर्ट लेने के जो चांसेस है वो ज़्यादा नज़र आ जाएंगे अदानी विनिमय के लिए। तो अदानी विनिमय का मार्केट कैप जो है 52,000 करोड़ का है, पी रेशो 71 का है, जो कि काफ़ी ऊपर नज़र आ रहा है। तो चार्ट के ऊपर भी नज़र डालेंगे कि कौन से इंपॉर्टेंट लेवल देखने को मिल सके आने वाले समय में। तो अदानी विनिमय स्टॉक जैसे कि यहाँ पे वॉलेटिलिटी काफ़ी देखने को मिली थी, जैसे कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट आया था उसके बाद स्टॉक के अंदर अभी रिसेंटली देखा जाए तो चॉपिंग मोमेंट देखने को मिले, क्योंकि वॉल्यूम्स भी ज़्यादा नज़र नहीं आ रहे अदानी विनिमय के अंदर। और स्टॉक के लिए हमने यहाँ पे लेवल्स बनाए थे, वो लेवल्स का ही यहाँ पे 410 लेवल का ही काफ़ी दिनों से स्टॉक सस्टेन हो रहा है। मैं 410 लेवल के साथ ही ट्रेडिंग कर रहा है। नीचे की जो लेवल है 400, ऊपर की है 420, ये दो लेवल के बीच में ट्रेडिंग होती दिखाई दे रही। पर ऊपर की 420 को ब्रेकआउट देता था तो ऊपर जाने के चांसेस बन सकते थे। पर वॉल्यूम्स भी यहाँ पे अच्छे खासे होने चाहिए, पॉजिटिव वॉल्यूम्स आने चाहिए, वॉल्यूम्स भी अच्छे खासे होने चाहिए जो कि स्टॉक को ऊपर की साइड लेके जाए। वॉल्यूम्स कम आते तो स्टॉक में जो मोमेंटम है वो वीक नज़र आया जाएगी और स्टॉक में मोमेंटम खास देखने को नहीं मिलेगी। तो इसलिए वॉल्यूम ज़्यादा चाहिए, पॉजिटिव वॉल्यूम चाहिए जो कि स्टॉक को ऊपर की साइड लेके जाए। तो ये थे लेटेस्ट अपडेट अदानी विनिमय के लिए।